आप देख रहे हैं सूर्यादित्य न्यूज, आइए रुक करते हैं खबरों की तरफ। गाजियाबाद में इन दिनों रेबीज वैक्सीन का मामला बड़े जोरों शोरों पर है। गाजियाबाद के सरकारी अस्पताल MMG में रेबीज वैक्सीन की लापरवाही सामने आई। यहाँ किसी भी मरीज को कुत्ते के काटने पर रेबीज की सिर्फ 3 वैक्सीन लगाई जा रही है, जबकि वरिष्ठ डॉक्टर के अनुसार कुत्ते के काटने पर 5 रेबीज के वैक्सीन लगवाने होते हैं। ऐसा बयान खुद गाजियाबाद के MMG अस्पताल के CMM राकेश कुमार का है। अब ऐसे में रेबीज इंजेक्शन की जरूरतमंदों की जिंदगी से खिलवाड़ होता नजर आ रहा है। सर आपके नाम जानना चाहिए, क्या नाम है आपका और यहाँ किस पद पर आए? मैं डॉक्टर राकेश कुमार और यहाँ पे मुख्य चिकित्सा अधीक्षक के पद पर इस समय काम कर रहा हूँ। सर आपसे जानना चाहेंगे आपके अस्पताल में रोजाना कितने मरीज आ रहे हैं रेबीज के और किस तरह से उनको इंजेक्शन लगाया जाता है? देखिए ऐसा है, हमारे यहाँ पे लगभग एवरेज कहना चाहिए 100 से 125 पेशेंट यहाँ पे आते हैं और हम लोगों का जो रूटीन है दिन में 8 बजे से 2 बजे तक का OPD पीरियड में रहता ही है। उसके बाद में भी अगर डॉग बाइट के केसेस आते हैं तो हमारा 24 आवर चलता है इमरजेंसी में, वहाँ हमने इंजेक्शन रखवा रखे हैं, जब भी किसी को ज़रूरत होती है तो उसको इंजेक्शन लगाए जाते हैं। सर एक चीज़ और जानना चाहेंगे, अगर किसी मरीज को कोई भी लावारिस कुत्ता काट लेता है तो उसको फिर कितने इंजेक्शन किस किस अंतराल में लगने ज़रूरी होते हैं? देखिए ऐसा है कि स्ट्रे डॉग्स का पता नहीं होता है कि रेबीज उसको है या नहीं है, तो ऐसे केसों में हम लोग 5 इंजेक्शन टोटल लगवाते हैं, जिसमें 0, 3, 7, 14 और 28 वगैरह लगाते हैं। अच्छा एक चीज़ और जानना चाहेंगे, बाहर जो मरीज आए हैं उनमें कुछ मरीज ऐसे हैं जिनका ये कहना है कि हमको 3 इंजेक्शन लगाने के लिए कहा गया है, लेकिन उनको किस डॉग ने काटा है, जो वो स्ट्रीट है या पालतू है, ऐसी कोई जानकारी ना ही उनके पास है ना ही डॉक्टर्स के पास है, तो सर ये क्या मामला हो सकता है? जहाँ तक स्ट्रे डॉग्स है उसमें हम लोग 5 इंजेक्शन ही लगवाते हैं जो संदेहजनक हैं, मतलब जिनके बारे में हमें आइडिया नहीं है कि ये, कभी कभी ऐसा होता है कि जो जिस कुत्ते ने काटा है वो ऑलरेडी वैक्सीनेटेड होता है, तो उसमें मेरे विचार से ज़रूरत नहीं होती है इंजेक्शन लगवाने की, लेकिन फिर भी हम लोग इंजेक्शन लगवा देते, तो उसमें होता है। अगर बाहर से भी दवाइयां लिखी जाती हैं, जो इसमें अभी कुछ मरीजों का आरोप ऐसा है कि दवाइयां जो हैं बाहर से भी लिखी जाती हैं, उस पर बाहर से दवाइयां डॉग बाइट के केसेस में आई डोंट थिंक कि किसी को ज़रूरत नहीं होगी, मेरे संज्ञान में नहीं है कि बाहर से दवाइयाँ किसी को लिखी है, अगर ऐसा है तो मैं पता करूँगा उसके बारे में। आज के लिए खबरों में बस इतना ही, कल फिर होगी आपसे मुलाकात। हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। नमस्कार।